हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजू गौर वंस अगेन। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है नेवर गिव अप। तो आज मेरी स्पोर्ट्स में ड्रेस को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। यस फ्रेंड्स, यू आर करेक्ट। लेकिन मैं जिस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आज आपको बताऊंगी उनके बारे में सुनकर आपको लगेगा दिस इज अनबिलीवेबल। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा बंदा जिसकी टांगे नहीं है? चलिए ठीक है, दिस इज नॉर्मल। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी टांगे नहीं है, वो नॉर्मल जी रहे हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसकी टांगे नहीं है और वो एक पावर लिफ्टर है? ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन दिस? आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। जी हाँ, ऐसा बंदा एग्जिस्ट करता है और उनका नाम है मिस्टर राजिंदर सिंह रहेलू, जो कि जलंधर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको एक राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहूंगी बिकॉज उन्होंने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। दिस वन इज फॉर यू सर। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिस्टर राजेंद्र सिंह रहेलू एक पावर लिफ्टर है। वो पावर लिफ्टर कैसे बने वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहली बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि वो जलंधर से बिलोंग करते हैं। उनकी एज लगभग 44 या 45 के करीब है। उनके जो पिताजी थे वो एक बैंड मास्टर थे। उनकी जो माता जी थी वो घरों में काम करती थी, वो एक मेड थी। वो लोग 5 भाई बहन थे और फाइनेंशियली वो लोग बहुत ही ज्यादा पुअर थे, इसीलिए उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। 10th के बाद उन्होंने स्टडीज नहीं की। जो मेन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब वो सिर्फ 8 महीने के थे तो उनको पोलियो हो गया और पोलियो के कारण उनकी दोनों टांगे एकदम खराब हो चुकी थी, वो चल भी नहीं सकते थे। अब आप मुझे कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है एक बंदा जो पोलियो से ग्रस्त है वो एक पावर लिफ्टर बन गया। तो आगे सुनिए। तो जब उन्होंने अपनी स्टडीज रोक दी, पढ़ाई करना छोड़ दिया, तो उनके एक पावर लिफ्टर फ्रेंड ने उनको एनकरेज किया कि भाई तुम ये करो, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करो। तो उन्होंने 75 केजी से स्टार्ट किया, डेली प्रैक्टिस की और विद इन 6 मंथ वो 118 केजी उठाने में सक्षम हो गए। कैन यू बिलीव दिस? इसके बाद उन्होंने अपना फर्स्ट मेडल जीता पंजाब स्पोर्ट्स मीट में, सेकेंड मेडल नेशनल लेवल पर उन्होंने जीता, थर्ड मेडल उनका जीते जीते वो रह गए क्योंकि समर पैरालंपिक्स में वो हार गए, वो 180 केजी नहीं उठा पाए। 3 अटेम्प्ट्स में वो समर पैरालंपिक्स के उसको क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, डिप्रेशन में नहीं आए जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने जज्बे को कायम रखा और फिर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में सिल्वर मेडल जीता। Oh my God, silver medal, once again claps for him. I'm just so much inspired from him. उसके बाद उनको अर्जुना अवार्ड मिला। फ्रेंड्स, अर्जुन अवार्ड मिलना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है इंडिया में, खासकर आप लोग सभी जानते होंगे इस बारे में। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद उनको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने जॉब दिया। वो एक कोच का जॉब कर रहे हैं फिलहाल पंजाब स्टेट में और वो अपने जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को भी कोच करते हैं पावर लिफ्टिंग में, नॉर्मल बंदों को भी करते हैं और अपने जैसे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो उनको भी अभी कोच कर रहे हैं। तो मतलब वो अपने जैसे और धनुर्धर हमारे लिए लाएंगे फ्यूचर में, कितनी बड़ी बात है ये। आई एम जस्ट सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। और मेन बात ये है फ्रेंड्स कि वो अपनी ट्राईसाइकिल पर जाते हैं। ट्राईसाइकिल आप लोगों को पता होगी, ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं जो डिफरेंटली एबल बंदों के लिए बनाई जाती है, उसको चलाना बहुत इजी होता है। लेकिन हर जगह ट्राईसाइकिल जा सके ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन रहेलू सर ने इस काम को भी अपने जज्बे से बहुत इजी बना दिया। जहां वो ट्राईसाइकिल से नहीं जा पाते थे फ्रेंड्स, वहां वो अपने हाथों से चलकर जाते थे। कैन यू इमेजिन, एक बंदा अपने हाथों से चलकर जा रहा है जस्ट बिकॉज उनको प्रैक्टिस करनी है, अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग देनी है, उन लोगों को इंस्पायर करना है। और वहां के बंदे उनको देखकर इतना इंस्पायर होते हैं कि सर में इतनी लगन है, इतना प्रॉब्लम होते हुए भी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से उन्होंने इस चीज को हराया है, कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना नाम किया है, इंडिया को इतना बड़ा सम्मान दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी स्टोरी से जरा भी इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज 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 लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। और आप चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में भी मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती रहूं जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको
ट्रूली अंदर से मोटिवेट करें कि आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.